लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही आलिया भट्ट और अजय देवगन की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी इंडिया में अपने सेकंड वीक में भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और जिस तरह से यह फिल्म अपने सेकंड वीक में कमाई कर रही है, यह फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल सेंट्रिक फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे बड़े फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 2022 की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म भी साबित होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के शुरुआती 11 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार अजय देवगन सर के डाहाट फैंस और संजय लीला भंसाली की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि गंगूबाई के ऊपर बनाई गई एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म के लीड में आपको आलिया भट्ट गंगूबाई के कैरेक्टर में नजर आई है। अजय देवगन सर का इस फिल्म में जो रोल है वो कैमियो रोल है और उन्होंने रहीम लाला का कैरेक्टर को निभाया है। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म का डायरेक्शन किया है संजय लीला भंसाली ने। संजय लीला भंसाली जो कि इससे पहले पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, रामलीला, देवदास और कई सारी बेहतरीन फिल्में दे चुके हैं, उनके डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म भी ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से 10 करोड़ से ज्यादा की बड़ी ओपनिंग ली, जो कि एक तरह से किसी भी फीमेल सेंट्रिक फिल्म के लिए काफी बड़ी ओपनिंग है। बता दे चले दोस्तों आपको कि ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज भी दिए, और यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने दूसरे और तीसरे दिन भी काफी अच्छी कमाई की और लगभग 39 करोड़ रुपए अपने पहले ही वीकेंड में कमा लिए। वहीं दोस्तों, लगभग 70 करोड़ रुपए की कमाई अपने पहले वीक में कर ली। दोस्तों बता दे चले आपको कि क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलने वाली इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक की शुरुआत भी काफी शानदार तरीके से की, और इस फिल्म का अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत का जो कलेक्शन रहा, यानी कि अपने 8वें दिन का इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो रहा 5,01,00,000 रुपए का। वहीं दोस्तों, इस फिल्म ने अपने 9वें दिन यानी कि सेकंड सैटरडे को आउटस्टैंडिंग जम दिखाई और कमाए 8,20,00,000 रुपए। इस तरह से यह फिल्म अपने शुरुआती 9 दिनों में 82,14,00,000 रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म ने अपने 10वें दिन यानी कि सेकंड संडे को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग होल्ड किया और कमाए 10,20,00,000 रुपए, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 94,34,00,000 रुपए का अपने शुरुआती 10 दिनों का हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 140 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। गंगूबाई काठियावाड़ी को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से जिस तरह का शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, उससे दोस्तों यही लग रहा है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। इस फिल्म ने दोस्तों शाहरुख खान के लास्ट फिल्म जीरो को अपने शुरुआती 10 दिनों में ही पीछे कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, जॉन अब्राहम और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों को भी यह फिल्म अपने शुरुआती 10 दिनों में ही पीछे कर चुकी है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने सेकंड वीकडेज में काफी अच्छा होल्ड करती है या नहीं। लेकिन दोस्तों, आज के भी इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो 10-12% की है, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की 18-20% की है, और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 11वें दिन भी लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का इंडिया से जो टोटल है वो 96 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। दोस्तों, इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कल जो कलेक्शन रहेगा वो 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा, और ये फिल्म फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में एक नया रिकॉर्ड बना देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, गंगूबाई काठियावाड़ी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम में कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।